सत्यमय जयते, जॉन इब्राहिम, मनोज वाजपेयी। जॉन इब्राहिम बॉडी से भारी है, मनोज वाजपेयी डायलॉग से भारी है। दोनों ने अपना अपना काम बहुत ही अच्छा किया है। ओपनिंग डे की बात करूं तो क्या है प्रेडिक्शन? पिक्चर अच्छी है लेकिन कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है एक्शन। गाड़ी का दरवाज़ा निकालते तब तक ठीक था लेकिन वो टायर तोड़ना ज़रा कुछ ज़्यादा हो गया, तो वो नहीं करना चाहिए था। ओके। डायलॉग्स की बड़ी चर्चा हो रही है, वन लाइनर्स की चर्चा हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? बॉडी की सबसे तो जॉन इब्राहिम भारी है लेकिन डायलॉग के सब में मनोज वाजपेयी भारी है। सुपर डायलॉग भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे पेट्रोल पंप पे जब पुलिस वाला आता है पेट्रोल भरने के सिगरेट पीता है, तो जॉन इब्राहिम कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीना मना है, तो कहता है भाई शाने पुलिस वाले को रोकना ये गुनाह है, तो कहता है भाई रोकना कौन चाहता है, मैं तो ठोकना चाहता हूँ। तो डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है उसमें। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की मूवी जो समाज में रियल गुस्सा होता है उसको छुपा होता है वो उजागर करती है, जो लोग जिसको फेस करते हैं? लेकिन ऐसी फिल्में बहुत आ चुकी है, जैसे गब्बर आई थी अक्षय कुमार की, जो करप्शन करते हैं उसको मार देता अक्षय कुमार। इस फिल्म में वही है, जो करप्ट पुलिस ऑफिसर है उसको टारगेट करता है, क्योंकि उसके पिताजी ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, उनको फंसाया जाता है इसलिए वो बदला लेता है। फिल्म का हाईलाइट सीन है वो है जब एक पुलिस वाला एक निर्दोष को पुलिस स्टेशन में मारता है, तब उसकी अम्मी आती है तो पुलिस वाला कहता है तो यहाँ नमाज पढ़, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, देख मैं क्या करता हूँ। वहाँ पर जॉन इब्राहिम आता है, वो हाईलाइट सीन है, सबसे बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त था। ओके। और बात करें अगर गानों की तो गाने कैसे हैं? गाने दिल पर जो गाना है बहुत ही सुपरहिट गाना है, लेकिन ये लोग ने आधा दिखाया, पूरा गाना नहीं बताया, सिर्फ आधा दिखाया गाना। ओके। ऐसा क्यों पता नहीं क्यों ऐसा किया, इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा डांस था लेकिन आधा दिखाया। और बाकी कोई और गाने हैं जो इसमें? गाने एक स्लो गाना एक और अच्छा है, लव सॉन्ग है, हीरोइन कुछ खास नहीं ठीक है, उसको ज़्यादा काम दिया नहीं है। ओके। 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 में से 3। तीन तीन